हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलसीडी लेने आई हूँ गाइस अपने घर के लिए। इस शोरूम में मेरे को कोई एलसीडी पसंद नहीं आया, फिर मैं नेक्स्ट शोरूम में गई और वहाँ मैंने फाइनली खरीद लिया। लेने आई हूँ गाइस ले रही हूँ टीवी, एलसीडी ले रही हूँ। ये शॉप बहुत आ गई थी सपने में, अब फाइनली यहाँ से ले रही हूँ। गाइज ये शोरूम सच्ची में मेरे सपने में आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये शोरूम है भी इवन रियल में। गाइज मैंने ये वाला एलसीडी, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि जो आप सपने में देखते हो और वो रियल में भी हो? गाइज ये लीजिए सर, ये आपकी अमानत। गाइज तो मेरे को बोला सर ने कि आपको एक सरप्राइज देता हूं, तो वो था ये सरप्राइज। आ गए क्या सर? गाइज मैं मम्मा को सरप्राइज दे रही थी एलसीडी गिफ्ट करके, बट शोरूम के ऑनर ने मेरे को ही सरप्राइज दे दिया अपने कैफे में फ्री ट्रीट दे के। ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते रहते चाहिए जिंदगी में। सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनके ऑनर भी बहुत अच्छे हैं जो हमें इतनी अच्छी जगह पे लेके आए। ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है और उनका छोटा बेटा इसका छोटा मालिक है और वो बड़े मालिक हैं। देखो गाइस इन लुधियाना वाले सूट पे काट है और इस वाले उस पे वो है। ये तो हर जगह ही चल रही है गाइस। ये देखो मेरी मॉम ने भेजी पंजाब से मेरे लिए, वैसे ये ओल्ड फैशन हो चुके हैं बट इट्स ओके, दे आर गोइंग मी लाइक मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, अपने आप ही बोली जा रही हूँ। मुझे वॉशरूम आ रहा बहुत जोरी के। टीवी तो मैंने ले लिया इतने 1000 का, फाइनली पैसों में आग लगा दी। और मेरे चेहरे की खुशी देखो, मेरी मम्मी होती ना और भी कितनी ज़्यादा खुश होती। अब मैं आपको यहाँ का टेस्ट करवाऊँगी, यहाँ का मेन्यू दिखाऊंगी आपको। वाइट सॉस पास्ता, लेट्स रिव्यू। बोल रहा आपको तो लेना ही पड़ेगा। नहीं आपने मेरे को ना एक घंटे जब इतना जो मेरे को प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दिया आपने, आप बोलो आप कुछ कैसे हो? बढ़िया। कैसी लगी ना आपको? बढ़िया। एक नंबर बढ़िया। बढ़िया क्या होता है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम सरप्राइज दे रहे थे, ओनर ने हमें सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज दे रहे थे, ओनर ने हमें सरप्राइज दे दिया। तो कल सुबह जाएंगे? नहीं हम सभी जा जब मैं ज्यादा देर किसी जगह बैठ जाती हूँ ना तो मेरी ये हरकतें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिर मैं बोर होने लग जाती हूँ और मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए भाई। गाइज आपको पता है मेरे टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बन रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे और मेरा ऑर्डर इतना लेट। गाइज नहीं गिरा भाई, इसमें तब के सही रहना। देखो तुम ब्लॉग में बोल रहे हो मेरे ब्रो। गाइस
गाइस जब मैं खाती हूँ ना, मैं आसपास का कुछ नहीं देखती, मैं ये भूल जाती हूँ मैं लड़की हूँ, और फिर मैं ऐसे इतने मोटे मोटे बाइट लेने, भले ही मुझसे खाया ना जाए लेकिन मैं फिर भी टू बी कंटिन्यू रहूँगी। और देख लो, अब आपको पूरे ब्लॉग में मेरी असलियत पता लग जाएगी कि मैं कैसी हूँ। बिल्कुल लाज शर्म का पर्दा हटा के मोमोज खाऊंगी मैं तो। गाइस मेरे गले में इतनी ज़्यादा खराश हो रही है, मेरा गला इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, खुजली हो रहा है मेरे गले में कि मेरे से मतलब डबिंग नहीं करी जा रही। और मैं फिर भी देख लो अपनी बेबो की मेहनत में फिर भी डबिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आज ये व्लॉग अपलोड करना है। और जब आप ये देख लोगे ना तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब फूट फूट के कर देना। Twinkle, twinkle, little star, eating momos. Yes, I am R. Guys, मुझे डबिंग करनी नहीं आ रही बिल्कुल भी। आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि मैं इस भुक्कड़पंती के सामने में क्या बोलूँ। अब मैंने इतना खा लिया कि अब मैं इसे पैक कराऊँगी, उससे पहले मैं खाए जा रही हूँ। गाइस खाना पीना हो गया और पैक भी करा लिया, नाउ वी आर हेडिंग टू होम। बट पहले हम ये देखेंगे गाइस, देखो बंदूक है, चलाइए, मैंने चलाइए आंखों से। चलो अब हम चलते हैं दूसरी दुकान पे, जो भैया की दूसरी दुकान है। यार सो मच सीढ़ी ना, गिर ना जाऊँ मैं घर। थैंक यू सो मच सर, वेरी क्वालिटी टाइम, बहुत। फाइनली पिन लेके जा रही हूँ, 100 रुपये मैंने पैसे ले लिए। कंजूस नंबर वन सर, मेरे को बताओ मेरा पासवर्ड। चलो ठीक है आ जाओ। आपके लिए गिफ्ट, ये अंकल लग जाएगा आपका, देखो मेरी जन्नत, मेरा भाई और मेरी मम्मी के लिए मैं ये गिफ्ट लेके आई हूँ। अंकल जी आप भी, जो मेरी सारी फोटोज यूट्यूब पे और जो मेरी इंस्टाग्राम पे। गाइस तो मैं ये बता रही थी, आपने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे अपनी डीपी में हमेशा अपनी बचपन वाली चाइल्डहुड की फोटो लगाती हूँ। तो मैं बता दूँ, वो मेरे बहुत ही खास पर्सन, बहुत ही स्पेशल, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड आवर बॉन्ड इज अनब्रेकेबल। तो वो ये हैं मेरे अंकल जी, ये मेरे पर्सनल फोटोग्राफर हैं, मतलब छोटे पन से लेकर बड़े होने तक भी उन्होंने मेरी सारी पिक्चर सारी एल्बम्स क्लिक करी है। तो आज ये आए इतनी खुशी के अवसर पर, हम सब साथ हैं और भैया आप भी। और मेरी मौसी भी आ गई, सॉरी मौसी भी आ गई। आइए, आपका इंतजार था, मतलब आज खुशी के अवसर पर सब है। नन्नू सही टाइम पे दिखती थी, क्या लेके आए मम्मी के लिए। अभी आई है मम्मा, सरप्राइज मम्मा को दिया। हाँ अभी भाई भाई भी जाऊँ मम्मी को दिया मैंने। बच्चों तुम लोग अभी मेरे सामने, ये क्या है गाइस, ये तो स्टैंड है लगाने का, चलो हम नीचे खोलेंगे। खोलो, अरे नीचे करके तो खोलोगे। अरे मेरी मम्मी आरती लेके खड़ी है,
ये मेरी बड़ी मम्मी है। अरे सर मैं बोल रही हूँ लेट आके निकालो, समझदार बन रहे हैं सब यहाँ पे। तो देखना तो पड़ेगा भाई, डिस्प्ले से निकालना पड़ेगा। मौजी कह रही है तो मैं तो उतारती ही रहता है कभी। आप साइड देखो कौन सी है। ये वाली साइड है, ये साइड। नहीं ये नहीं, ये है ना नहीं। हाँ ये है। चालीस इंच का नहीं, हल्का सा खोल लो। हाँ ऐसे खोल लो। अरे वाह मेरा टीवी। मैं तो पहली बार देख रही हूँ दीदी, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा ना ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम था मेरे घर में कोई बड़ा टीवी आए। मेरे घर में पहली बार इतना बड़ा टीवी आया है, वो भी मैं ही लेके आई हूँ। मेरे घर में पहली बार इतना बड़ा, ये पक्का उसने वही वाला दिया ना, वही वाला दिया ना उसने। जय हो प्रभु की कृपा न्यारी हो, जय हो शंभु मेरे भोलेनाथ हर हर महादेव। हे मेरी माँ काली कृपा करें, मेरे गणपति बाबा सिद्धि सिद्धि घर में आए। लगा दिया ये सिद्धि सिद्धि घर में आए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। जय हो मेरे प्रभु कृपा करें। भगवान हो गए हो गया, राजा बाबू की टीका हो गया मेरे गली गली में क्या है ये। हाँ अंकल जी हमारी खुशियों में ज़रूर शामिल होते हैं ना, ज़रूर ये तो ज़रूरी होता है। मुझे आप दिख रहे देखो इसमें बैठे हुए। हाँ हाय कर रहे हैं। चलो गाइस अब बस बहुत हो गया, LCD रिवीलिंग रिपोर्ट दिखा देती हूँ पूरा एक बार। LCD क्या मेरा टीम का कर दिखेगा। चलो कोई नहीं, जैसे आपने इस वीडियो में ये LCD देखा बड़े वाला, वैसे ही मेरी अगली कुछ वीडियोस में आप मेरा घर देखोगे बड़े वाला, वो भी लेंटर का। उस तब भी अंकल जी होंगे, बड़ी मम्मी होगी, है ना मम्मी। मेरे लेंटर के मकान में। मेरे लेंटर के मकान में फिर इससे भी बड़ा LCD लेके आऊँ केशव के लिए, तब तक फिर उसे और भी बड़ा किया ना। डाक लग रहा होगा इन्हें, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। मैं ये बार बार बोल रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये सच में हो रहा है गाइस, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है मेरे घर में टीवी आया। ठीक है, दबा के सपोर्ट करना अपनी बेबो को, है ना। लव यू ऑल।